इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री के सॉल्यूशंस के बारे में सीखेंगे, किस प्रकार से हम जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हमारा वन रहेगा लेकिन उसका जो डिग्री है वो वन नहीं होगा, तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तीन से चार आपको मेथड आपको यहाँ मिलेंगे, सॉल्वेबल फॉर पी और एक्स एंड वाई, और एक दो और हमारे सिंगुलर सॉल्यूशन हम निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर पी, मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनको हम पी के लिए सॉल्व कर सकते हैं उनके सॉल्यूशन हम सीखेंगे। आपको टॉपिक मिल जाएगा जब आप बुक में देखेंगे, तो सबसे पहले टॉपिक मिलेगा इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, उसके अंदर आपको मिलेगा सॉल्वेबल फॉर पी जिनको हम पी के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जिनके लिए हम पी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वहां से किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखिए इनका सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। जैसे हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है पी स्क्वायर माइनस फाइव पी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि पी हमारा क्या होता है। पी आपने नहीं पढ़ा होगा, एक दो टर्म आपको सीखनी पड़ेंगी। एक तो हमारा होता है पी, एक हमारा आएगा क्यू, पी क्यू, और एक दो और आते हैं हमारे आर एस टी। आर एस टी, आर एस टी को बाद में समझेंगे हम। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब यहाँ पर हमारा होता है डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, और जो क्यू वगैरह हैं और आर एस टी हैं उनको हम आगे सीखेंगे, जिनमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी यूज करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पी का मतलब क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, सिंपल। अब सॉल्वेबल फॉर पी, इसका मीनिंग क्या, हम इस इक्वेशन को पी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। बस सिंपल आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं, इसके गुणनखंड आपको करने हैं, तो सिक्स के फैक्टर करेंगे कि फाइव आ जाए। आप ध्यान रखिएगा पी का मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस थ्री प्लस टू पी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस थ्री पी माइनस टू पी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। पी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा पी माइनस थ्री, माइनस टू कॉमन ले लेंगे पी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर पी माइनस थ्री इंटू पी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। दोनों फैक्टरों से अलग अलग सॉल्यूशन फाइन कर लेंगे, पी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और पी कितना होता है हमारा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू थ्री, भाई इसको थ्री को दे लेंगे ना थ्री, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी वाई हमें मिल जाएगा, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे सिंपल, थ्री डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आपको मिल जाएगा डी वाई इज इक्वल टू थ्री इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, देयर फॉर वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सी, इन सबको दे लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा वाई माइनस थ्री एक्स माइनस सी, राइट। सेम इसका फाइन करेंगे तो पी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर पी इज इक्वल टू टू, और पी कितना है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू, देयरफॉर डी वाई इज इक्वल टू टू डी एक्स, इंटीग्रेशन आप यहां कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस। आपको यहां पर नया कॉन्स्टेंट नाम दे सकते हैं, कोई भी नया कॉन्स्टेंट आप यहां पर नाम दे सकते हैं, या फिर सी ही रहने दीजिए, सी ही रहने दीजिए, केवल क्या रहने देंगे सी, तो ये आपको मिल जाएगा वाई माइनस टू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर भी जीरो मिलेगा, और दोनों के कम्बाइंड जो हम सॉल्यूशन देंगे ना, कम्बाइंड सॉल्यूशन, सिंगल कम्बाइंड सॉल्यूशन, तो हमारा कम्बाइंड सॉल्यूशन हो जाएगा सिंगल कम्बाइंड सॉल्यूशन इज, दोनों को मल्टीप्लाई करके केवल लिख देंगे आप, तो y माइनस थ्री एक्स माइनस सी इंटू वाई माइनस टू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब ये तो हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन साथ साथ आप एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करें, क्या एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर टू को हम सॉल्व करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि, देखिए इससे पहले तो आपको यही चेक कर लेना है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री है। तो जैसा कि हमारा पी, पी क्या हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी जो डिग्री कितनी है टू, तो इसका मीनिंग क्या है, जो इसका जो डिग्री है वो टू है, इसका मीनिंग क्या, हम पहुंच जाएंगे सेकंड टॉपिक में, डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारा पी में बनना है क्वाड्रेटिक, किस में बनना है पी में, तो हम इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, पी की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी, माइनस साइन यहां से कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई पी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यही तो होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अरे आपने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे यहाँ ए बी सी क्या होते हैं, हमारे कोएफिशिएंट, और ये जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा एक्स में है। अगर हमें पी में बनाना है तो इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ लगा देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्री धराचार्य का सूत्र पढ़ा है आपने। तो हमारा यहाँ पर होता था श्री धराचार्य का सूत्र, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट अपॉन टू ए, ये हमारा फॉर्मूला होता था। आइडेंटिफाई कर लेंगे आप ए बी सी का वैल्यू, डायरेक्ट हम करने वाले हैं, तो पी हमको मिल जाएगा माइनस बी, माइनस बी मीन्स एक्स वाई, प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स स्क्वायर बी हमारा है, सॉरी सी है हमारा माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन टू ए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, स्ट्रेस आपको इतना देना ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आएंगे हमारे, वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिएगा। प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, रूट फाइव एक्स वाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर, राइट। प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस, अच्छा यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं आप, है ना, चलो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई रूट फाइव अपॉन टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो पी में डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स मैंने कॉमन लिया कैंसिल कर दिया, पाई मैंने कॉमन लिया, तो ये आपको मिलेगा वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू एक्स, राइट। अच्छा यहाँ पर देखो, तो एक चीज़ हम बताना भूल गए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में, कि अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। हमने क्या किया, हमारा ये जो इक्वेशन था वो हमारा था बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, लेकिन हमने इसको फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। सॉल्यूशन तो हम फिर से वहीं जा रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल पर, एट लास्ट आपको वेरिएबल सेपरेबल ही लगाना है। नेगेटिव के लिए हम सिमिलरली लिख देंगे, पॉजिटिव की सॉल्व कर देना है, इसके लिए आप सॉल्व कर लेना नेगेटिव के लिए, तो हमको मिल जाएगा पी कितना होता है हमारा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी वन प्लस रूट फाइव वाई टू इंटू वाई अपॉन एक्स, वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए फिर से। तो जब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव वाई टू डी एक्स ओवर एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव वाई टू इंटू लॉग एक्स, और एक कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे लॉग सी, तो ये हमको मिल जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, ये पावर पर चला जाएगा, log x टू द पावर वन प्लस रूट फाइव वाई टू प्लस log c, और ये हमको मिल जाएगा log y इज इक्वल टू log c इंटू एक्स टू द पावर वन प्लस रूट फाइव वाई टू, log से log कैंसिल हो गया, तो हमें y कितना मिल गया, c x टू द पावर वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू, इसको तो लेके आएंगे y माइनस c x टू द पावर वन प्लस रूट फाइव बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जब आप माइनस साइन लेंगे यहाँ पर, भाई प्लस के लिए तो हमने निकाल दिया, आप यहाँ माइनस लेंगे तो ये माइनस यहाँ एडजस्ट होगा, मतलब सेम आंसर मिलेगा, यहाँ पर माइनस आएगा लेकिन यहाँ माइनस मिल जाएगा। सिमिलरली मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, सिमिलरली वी कैन फाइंड द अदर सॉल्यूशन, आपको सेम सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ से जब आप नेगेटिव साइन लेंगे ना, नेगेटिव साइन लेंगे यहाँ से, तो सेम आपको आंसर मिलेगा, बस केवल यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन मिल जाएगा, वन माइनस रूट फाइव बाई टू, राइट right? तो आपको मिल जाएगा वाई माइनस सी। अच्छा ये कॉन्स्टेंट ना सेम लेना है आपको, एक्स टू द पावर वन माइनस रूट फाइव वाई टू इज इक्वल टू जीरो, दोनों का कम्बाइंड सॉल्यूशन दे देंगे, तो कम्बाइंड सॉल्यूशन इज वाई माइनस सी एक्स टू द पावर वन प्लस रूट फाइव वाई टू इंटू वाई माइनस सी एक्स टू द पावर वन माइनस रूट फाइव बाई टू इज इक्वल टू जीरो। देखो कितना आंसर है, ये हमारा फाइनल दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है। देखिए आपको ये आंसर ना बुक से मैच करता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये करेक्ट आंसर है हमारा,
उन्होंने क्या कर दिया, देखिए इस 2 को इन्होंने एडजस्ट कर दिया, जैसे 2 है ना, इस 2 को एडजस्ट कर दिया इधर, मान लो मैं 2 को इधर लिख लेता तो हमारा कितना बनता भाई, ये 2 हमारा इधर आ जाता तो यहाँ से ख़त्म। वैसे तो हमारा आंसर ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, केवल थोड़ा सा स्ट्रेस और दीजिए दिमाग पर, आंसर ये भी ठीक है। हमें क्या मालूम भाई 2 को इन्होंने इधर एडजस्ट किया है या फिर इधर किया है, हमें नहीं मालूम। अगर आप इस 2 को इधर एडजस्ट करेंगे ना लेफ्ट में, तो 2 यहाँ पर आएगा और ये 2 बन जाएगा वाई स्क्वायर, और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारा वाई स्क्वायर और ये हमारा वाई स्क्वायर, और सेम हमें यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर, ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से छोड़े आंसर या फिर वैसे छोड़े, हमारा दोनों आंसर भाई ठीक माने जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में हमें पी नहीं गिवन, मतलब पी का वैल्यू इन्होंने पुट कर दिया है डीवाई अपॉन डीएक्स। तो हम यहाँ से तो हम डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई डीवाई अपॉन डीएक्स की जो डिग्री हो कितनी है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री हो कितनी है 2। भाई इसकी जितनी डिग्री होगी डीवाई अपॉन डीएक्स की, उतनी ही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी, राइट। तो इसको हम पहले पी लिख लें, एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इंटू पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को पी के लिए कर लेंगे सॉल्व, किसके लिए, पी के लिए। तो फिर से हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। आप चाहें तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, वरना फिर डायरेक्ट लगा दीजिए, पी इज इक्वल टू माइनस बी वाई माइनस एक्स प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर मीन्स वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना एक्स और सी हमारा माइनस वाई प्लस का वाई अपॉन 2x। शोर ज़्यादा आ जाता है कभी, ठीक है। तो माइनस साइन से साइन चेंज कर दीजिए, तो p हमें कितना मिलेगा, x माइनस वाई प्लस माइनस। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट ध्यान से देखिए, आप ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है कभी, a प्लस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला होता है, तो ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई। अगर आप नहीं ऐसे नहीं करेंगे तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, आप जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, लेकिन ये है हमारे प्लस के 4xy, तो प्लस के 2xy हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हमें ये मिल जाएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही बनेगा 100%। तो पी इज इक्वल टू मिल जाएगा एक्स माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाई 2x। तो फिर से भाई टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा p इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सॉरी होल स्क्वायर लिया ना तो x प्लस वाई बचेगा, प्लस x प्लस वाई अपॉन 2x। तो हमारा वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो p हमको मिल गया 2x बाई 2x। पी मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, therefore dy is equals to dx integrating both side y is equals to x plus c, therefore y minus x minus c is equals to 0। first equation find कर लिया हमने, second हम लेंगे negative sign, taking negative sign, तो negative sign लेंगे तो क्या मिलेगा, p is equals to x minus y minus x plus y upon 2x, x cancel हो गया भाई, माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, तो माइनस का वाई आएगा, ये तो ये हमको मिल जाएगा पी इज इक्वल टू माइनस टू वाई ओवर टू एक्स, टू एक्स से टू कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स। तो ये हमको मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस लॉग सी, तो लॉग वाई प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी, एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो कंबाइंड जो सॉल्यूशन होगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा वाई माइनस एक्स माइनस सी इंटू एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0।
तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक में ये आपको एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, राइट। सबसे पहले क्या करना है, पहले तो इनका एलसीएम ले लीजिए भाई। क्या ले लेंगे? एलसीएम। सॉल्वेबल फॉर पी क्यों लग रहा है हमको? क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, पी स्क्वायर फिर पी फिर कॉन्स्टेंट। इसका मीनिंग क्या है, ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण बन रही है पी में, राइट। तो एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई टू की पावर 4 पी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमने एलसीएम लिया ना, और सेम इधर लेंगे हम एलसीएम। सॉरी ये बराबर में है, बुक में देख लेते हैं मेरा। हाँ तो ये कंप्लीट का लेना पड़ेगा भाई हमें एलसीएम। तो यहाँ पर ना कंप्लीट का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2xyp, और यहाँ मिलेगा प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हमने हर टर्म को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। बात तो वही है ना भाई, एलसीएम ले रहे हैं या फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 2xy, यहाँ करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, बात एक ही है। और वो हमने एलसीएम लेने के बाद 0 में भेज दिया, राइट। यहाँ से थोड़ा समझना, अगर आप यहाँ पर आपने लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे तो आंसर तो भैया आएगा, बस केवल आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा समझना क्या, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर 4 पी स्क्वायर माइनस 2xyp प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को, इसको और इसको ध्यान से देखिए आप, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xyp प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों ये जो टर्म बची ना हमारी, इनको मैं इधर ले गया तो कॉमन क्या आ गया, इन दोनों से इधर ले जाऊंगा, साथ साथ कॉमन ले लूँगा तो वाई स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया होल स्क्वायर ऑफ एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में जितने भी हमारे मेथड से वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी का भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में पढ़ लिए हैं सारे, राइट। तो स्क्वायर को ले जाएंगे रूट पर तो एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई पी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए पी वाली टर्म को मिला लीजिए, अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, क्या है प्लस माइनस, तो आप एक काम करिए पहले प्लस साइन ले लीजिए, कैसे करें, चलो इधर लिखाइए आप कंबाइंड लिखाइए, या फिर इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ये जो जब हम इसको इधर लिखाएंगे ना तो ये प्लस माइनस ही रहेगा, कैसा रहेगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू वाई, राइट। पी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस माइनस वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो पी का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, यहाँ पर देखो पी का हमने किस प्रकार से वैल्यू फाइंड किया है। अब पी हमारा मिल जाएगा, पी हमको मिल जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस, यही मिलेगा, पी हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस माइनस वाई इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अभी क्या बनना है, होमोजीनियस बनना है, होमोजीनियस तो बन नहीं रहा, होमोजीनियस तो बन नहीं रहा, ये देखो आपको ना ये सेम क्वेश्चन आपको मिला होगा होमोजीनियस वाले केस में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिला होगा वहाँ पर। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए पी का वैल्यू कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो पहले तो इसका रेसिप्रोकल निकाल लो, वन अपॉन पी एक्स प्लस माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अपॉन वाई, और पी कितना होता है हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन पी डी एक्स ओवर डी वाई,
इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस माइनस, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। इस केस को आप एक तरह से होमोजीनियस समझिए, जब भी हमारा एक्स अपॉन वाई आए ना तो इस तरह से मतलब होमोजीनियस लग सकता है, राइट। तो हम यहाँ पुट करेंगे, देखो ये हमारा जो इक्वेशन बनना है डी एक्स ओवर डी वाई है, मतलब हमारा यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है ना। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स होता तो हम क्या पुट करते, वाई इज इक्वल टू बी एक्स, और ये डी एक्स ओवर डी वाई बनना है तो हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू बी वाई। अच्छा केवल प्लस वाले के लिए हम सॉल्व कर ले रहे हैं, माइनस वाले के लिए सेम टू सेम लिख देंगे देख करके इसको, राइट। तो प्लस वाले के लिए सॉल्व कर ले रहे हैं, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या मिल जाएगा, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और यहाँ पुट कर देंगे हम पुट एक्स इक्वल टू बी वाई। तो डी एक्स कितना मिल जाएगा हमको, डी एक्स ओवर डी वाई कितना मिल जाएगा, वी प्लस वाई और डी वी ओवर डी एक्स, मतलब हमने इसका विद रेस्पेक्ट टू वाई किया डिफरेंशिएशन, विद रेस्पेक्ट टू वाई हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हमें यहाँ मिल जाएगा वी प्लस वाई डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, हमारा ये बी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का रूट, राइट। तो देखो बी से हमारा वी कैंसिल हो गया, बी से हमारा ये बी कैंसिल हो गया। एक दो फॉर्मूले और समझने होंगे आपको यहाँ पर, तो ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, तो वाई डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिया, रूट में मिलेगा आपको वन प्लस, सॉरी ये बी स्क्वेयर आएगा यहाँ पर, बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर था ना, तो एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया। अब वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, और यहाँ पर ये बाई कैसे बनना है भाई, एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन बाई पुट किया तो फिर यहाँ पर एक्स नहीं बनना चाहिए, ये गलती कर दी हमने, एक्स की जगह पुट करना है वी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आएगा, तो कॉमन आएगा वाई, समझ गए, वाई से हमारा वाई कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा डी वी ओवर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, और ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हमारा होता है, ये तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कई जगह मिस्टेक हो, ये तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें डी बी ओवर डी वाई, तो डी बी ओवर डी वाई मिलेगा, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा डी वाई, तो मिस्टेक हो गई भाई। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, देखिए भाई नंबर एक तो ये कि हमारा जो एग्जांपल नंबर फाइव है उसमें हमारा यहाँ पर जो साइन है वो प्लस का है और हमसे लिख गया है माइनस, तो आंसर ना थोड़ा सा अलग आएगा लेकिन जो तरीका होगा करने का वो हमारा सेम होगा। आप यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे और सेम टू सेम करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, बस केवल जहाँ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स आना है वहाँ कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स आएगा, जो करेक्ट हमारा जो आंसर होगा उसमें। पहले दो फॉर्मूले बता दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वेयर का रूट या फिर बी स्क्वेयर प्लस वन, इसका हमारा इंटीग्रेशन होता है एक्स के लिए समझ लीजिए, तो ये हमारा होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, साइन हाइपरबोलिक, पहले साइन लिखते हैं फिर एक्स लगा के इनवर्स लगा देते हैं। अगर मान लीजिए हमारा फॉर्मूला ये बनना है, देखिए अगर हमारा ये बनना है एक्स स्क्वेयर माइनस वन का रूट डी एक्स, ये कितना डी एक्स, तो आपका भी बनेगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये दो फॉर्मूले बनते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस वन बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा बी स्क्वायर माइनस वन, बाकी सेम आंसर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर माइनस साइन लेके करेंगे तो ये हमारा बनेगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस सी, मतलब ये हमें एक्स हमको मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी, वाई प्लस सी, राइट। तो ये हमें मिलेगा एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और सेम आप सॉल्व करेंगे किसके लिए,
अगर ये माइनस साइन लेते, देखिए ध्यान समझना, अगर हम यहाँ माइनस साइन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा तो बी से तो हमारा ये बी कैंसिल हो चुका होगा, केवल यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा तो सेम टू सेम मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो ये हमारा सेम बनेगा, बस केवल ये बनेगा वाई डी वी ओवर डी एक्स इज इक्व टू प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ तक तो सेम होगा, यहाँ माइनस आएगा तो y कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस सॉरी बी स्क्वायर माइनस 1 सॉरी बी स्क्वायर प्लस 1 का रूट, राइट। तो ये हमारा y से y कैंसिल हो जाएगा, फिर से सेपरेट करेंगे तो डी बी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 का रूट इज इक्व टू माइनस डी एक्स, सॉरी ये y आएगा डी वाई, कितना है डी वाई, तो ये हमारा हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स v। एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ बी आएगा ना साइन हाइपरबोलिक इनवर्स बी, और ये भी बी आएगा है ना, और वी कितना हमारा एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस वाई साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी इज इक्व टू जीरो, ये मिलेगा आपको फाइनल आंसर। और यहाँ क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वी इज इक्व टू माइनस का वाई और प्लस का सी, मतलब सी, अच्छा आप एक काम करना है, यहाँ पर भी माइनस साइन ले लेना, यहाँ पर भी माइनस साइन ले लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा v इज इक्व टू, यहाँ पर प्लस ले लीजिए, सी माइनस वाई लिख लेंगे, सी माइनस वाई, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक सी माइनस वाई, और वाई कितना, वी कितना हमारा, वी हमारा एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर ले आएंगे तो एक्स माइनस वाई साइन हाइपरबोलिक सी माइनस वाई, और दोनों को मल्टीप्लाई में रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में रख देंगे, सेम आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर प्लस मान के करेंगे ना तो हमारे जो दोनों आंसर हैं वो सेम आएंगे, क्यों आएंगे आपको बता दें, वहाँ पर क्या किया है उन्होंने एग्जाम्पल में, इस प्लस को माइनस साइन ले लिया है, जब कॉस बनेगा तो, कॉस बनेगा तो हम लोग करेंगे क्या भाई, मान लीजिए ये बनता है आपका कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पर तो कॉस आ जाएगा, इस केस में बता रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स वी इज इक्व टू माइनस का वाई और माइनस का सी ले लेंगे, है ना, ऐसा क्यों ले रहे हैं, वी इज इक्व टू हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक माइनस वाई प्लस सी, और कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स हमारा होता है कॉस हाइपरबोलिक प्लस एक्स, तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो वी कितना हमारा एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई इज इक्व टू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस सी, मतलब ये वाला आंसर आप नेगेटिव साइन लेंगे तब भी आपको यही मिलेगा और पॉजिटिव साइन लेंगे तब भी आपको यही मिलेगा, मतलब उस केस में हम जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर D47 पर दिया हुआ है, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर बाई। देखिए भाई, हमें एग्जाम में कैसे मालूम चलेगा भाई, इसका एक और फॉर्मूला होता है हमारा, इसका आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ये हमारा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स होता है, और साथ में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आप इसको लगा के आएँ चाहे इसे लगाएं, आप इससे निकाल दीजिए फाइनल आंसर, वो भी आपका सही माना जाएगा, इससे निकाल दीजिए वो भी सही माना जाएगा, किसी से निकाल दो। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किया है एग्जाम से पहले और आपको याद है तो फिर ये लगा के आएँ, नहीं याद तो फिर तो कैसे भी करें, फिर तो आपके पास चॉइस है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इसलिए आता कैसे देखो आपको बता दें, ये हमने पहले भी बताया होगा आप लोगों को, देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्व टू होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट, तो हम इसकी जगह ये लिखें या इसकी जगह ये लिखें तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ये फॉर्मूला होता है, पहले हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो बुक थी उसमें ये फॉर्मूला हमें गिविन था, अब ये हटा दिया है, राइट।